हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए जीके जीएस सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि शेष कादंबरी किसकी काव्य कृति है। इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलका सरावगी। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध से आंख मुंह लाल होना। नेक्स्ट है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। ऑप्शन बी सूरदास का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलसूत्र। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार का नाम क्या है। तो प्रेम सागर के रचनाकार का जो नाम है ऑप्शन सी हो जाएगा लल्लू लाल। अगला आपका क्वेश्चन है जगदीश में कौन सी संधि होती है। तो जगदीश में जो संधि होती है ऑप्शन बी व्यंजन संधि होती है। अगला है निरोग में कौन सी संधि है। तो निरोग में संधि होती है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। नेक्स्ट है धर्माधर्म में समास बताइए। तो धर्माधर्म में समास कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद समास। अगला आपका गाइस क्वेश्चन है सतसई में समास कौन सा होता है। तो सतसई में समास होता है ऑप्शन डी दिगु समास। अगला है आली का पर्यायवाची क्या होता है। आली का पर्यायवाची होता है ऑप्शन डी ये सभी, मतलब सखी सहेली और भ्रमरी ये तीनों होते हैं। अगला है आरोग्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो आरोग्य का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी निरोग। और अगर पूछा जाए कि गरल का विलोम शब्द बताइए तो गरल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी सुधा। अगला है गुरु किसका विलोम शब्द है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी लघु का। नेक्स्ट गौण किसका विलोम शब्द होता है। इसका गाइस हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमुख का। नेक्स्ट इंद्रियों से संबंधित को कहते हैं ऑप्शन बी इंद्रिक। नेक्स्ट जिसकी उपमा ना की जा सके ऑप्शन सी अनुपम कहलाता है। अगला है तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या होगा ऑप्शन बी काक। अगला है अवतार में कौन सा उपसर्ग है। तो अवतार में उपसर्ग होता है ऑप्शन सी अब। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा अब। नेक्स्ट अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अति। अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है दाल में काला होना का आशय क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा संदेह की बात होना। अगला है दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही न्याय। अगला है दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा ऑप्शन सी निराश होना। अगला है सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए ऑप्शन ए पल्लवन। सही बर्तनी वाला शब्द फिर से चुनना है। तो इस देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपलावित। नेक्स्ट निसी दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन उपरोक्त किसका पद है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा। नेक्स्ट है आपका नित नब लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रदारास रंग रास रंग रुचिर में उपरोक्त पद है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बरवय। अगला है मंगन को देख पट देत बार बार है में कौन सा अलंकार होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास कहा जाता है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कुशल। अगला है उच्छ्वास का विलोम क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निश्वास। ये उच्छ्वास का विलोम होगा। अगला है प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। ऑप्शन सी प्रतिचिकित्सा। और अगला है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी श्री लाल शुक्ल। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्ति बोध। सदाचार में कौन सी संधि है। तो सदाचार में संधि होती है ऑप्शन ए व्यंजन संधि। नेक्स्ट है तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो गाइस तिरस्कार का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन बी तिरधनकार। अगला है प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिधन उपकार। अगला सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका क्या होगा ऑप्शन सी सुधन उक्ति। नेक्स्ट एक दंत में समास बताइए। तो एक दंत में कौन सा समास होगा। ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अगला है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो क्या प्रधान होता है। ऑप्शन ए दूसरा पद प्रधान होता है। निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंख। अगला है आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। तो आकाश गंगा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी ये सभी मतलब मंदाकिनी सुर नदी और स्वर्ग नदी। अब गाइस सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसमें गाइस आपका पहला क्वेश्चन बनता है कर्नाटक युद्ध किन कंपनियों के बीच लड़े गए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सी अंग्रेजों बा फ्रांसीसी। अगला है विक्रमान देवचरित के लेखक कौन थे। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बिल्हड़। अगला है राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन सी रूसो ने। अगला है जादू गोला की खाने प्रसिद्ध हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम के भंडारों के लिए। अगला है हीरे की खाने पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के पन्ना में। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए कच्छ का रण में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन ए अलास्का धारा। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। ऑप्शन ए नरगिस दत्त। नेक्स्ट शिक्षा का विषय किस सूची में है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। अगला है असवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी नील नदी पर। हमारे राष्ट्रीय झंडे में धर्म चक्र का रंग क्या है। ऑप्शन सी नीला।
भारत किसको विद्युत का निर्यात करता है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। आर्थिक योजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा किस समयावधि में आवश्यक रूप से लोकसभा को लौटाना होता है? ऑप्शन बी 14 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बृहस्पति। गाइस आपका अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप सिंधु जल संधि अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए विश्व बैंक। अगला है, कूका आंदोलन वर्ष 1840 की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी भगत जवाहर मल। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी कौटिल्य। अगला है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन बी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने। अगला है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी बैडमिंटन से। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है ऑप्शन बी। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है साम्यवाद, इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ये हो जाएगा मार्टिन लूथर। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा रूसो। अगला है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी अमित त्रिपाठी। अमेरिका की शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी एकल नागरिकता। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति बुड्रो विल्सन, ये सही नहीं है। बाकी के जो तीन है वो सही हो जाएंगे, जिसमें भी है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के शासक थे जोसेफ स्टालिन और जापान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तोजो। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में के समीप स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो सभी को पता होगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। गॉस किसका मात्रक है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण। दाहिने हाथ का नियम किसने दिया था? ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो बही रहेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, मतलब अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन सी गामा किरणों की। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं? ऑप्शन डी H2O। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है?